हेलो दोस्तों, आज हम लोग कोई भी ईयरफोन के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, कोई कंपैरिजन नहीं करने वाले हैं। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, एक व्यूवर ने मुझे बोला, कमेंट किया कि ईयरफोन के बारे में तो काफी जो है आपने बता दिया है, तो कृपया करके बूफर के बारे में भी बताएं। तो मैं आपसे आज बताने वाला हूँ कि टॉप फाइव, अकॉर्डिंग टू मी टॉप फाइव जो वूफर्स हैं, 2.1 है उसमें 5.1 भी आते हैं, वो कौन से हैं 5,000 रुपीज के अंदर। तो मेरे साथ इसी में बने रहिए, आप सारी चीजें जान पाएंगे कि आपको कौन सा पिक करना चाहिए अगर 5,000 रुपीज तक का आपके पास बजट है और अगर आप स्पीकर खरीदना चाहते हैं। तो मैं हूँ प्रियांशु सिंह और हमारे चैनल हिंदुस्तानी 360 में मैं आपका स्वागत करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो सबसे पहला स्पीकर निकल के आ रहा है वो है सैमसंग की तरफ से। जी हाँ, सैमसंग HW K20 2.1। मैं आपको बता दूं, ये काफी अच्छा स्पीकर है, लेकिन इसमें कमी क्या है? एक कमी ये है कि इसमें आपको ब्लूटूथ नहीं मिलता है, लेकिन आपको यूएसबी पोर्ट मिल जाता है। लेकिन इसकी जो साउंड क्वालिटी है, क्लैरिटी है, काफी अच्छी है, बेस बैलेंस काफी अच्छा है। मैंने सुना हुआ है, जब मैं स्पीकर खरीदने गया था एक बार, तो मैं इसे भी जो है सुना और फील किया था, तो काफी अच्छा है। मैं आपको बता दूं, साउंड क्वालिटी काफी अच्छी है और 60 वॉट का ये स्पीकर है, तो काफी बैलेंस आपको साउंड ये प्रोवाइड करता है, लेकिन इसमें आपको ब्लूटूथ की फैसिलिटी नहीं मिलती है। जी हाँ, और लुक में भी ये काफी अच्छा लगता है, काफी खूबसूरत लगता है। जी हाँ, तो सैमसंग का तो बढ़िया तो होगा ही। जो नेक्स्ट है, मैं आपको बता दूं, वो FND की तरफ से आ रहा है। जी हाँ, जिसकी प्राइस है 4,999 रुपीज। जी हाँ, 5,000 जैसे सैमसंग भी 5,000 रुपीज था, ये भी 5,000 रुपीज का है, जो इसकी मॉडल है FND 700X, और ये 80 वाट का है, तो ये पावरफुल है थोड़ा सैमसंग से, और जो इसके साउंड जो लाउडनेस होगी वो थोड़ी सी ज्यादा होगी कंपेयर टू सैमसंग, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जो बेस भी बिल्कुल सेम मिले। लेकिन ये 5.1 है और जो सैमसंग था वो 2.1 था, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा बेटर आउटपुट मिलेगा और प्राइस जो है सेम है, और यहाँ पे आपको ब्लूटूथ, यूएसबी और एसडी कार्ड सारी चीजें आप लगा पाएंगे। ये भी एक पावर पैक जो है 5.1 है 5,000 रुपीज के अंदर, और काफी सॉलिड है। मैंने इसे भी सुना हुआ है, जो है मैं आपको बता दूं, जब मैं गया था स्पीकर लेने, तो मैंने इसे भी सुना, जो मैंने खुद का एक्सपीरियंस किया हुआ है, मैंने उसे डाला है जो लिस्ट में, कि मैं आपको उसके अकॉर्डिंग सही से बता सकूं कि स्पीकर की क्वालिटी कैसी है। तो ये भी काफी अच्छा, जो बेस रिस्पांस था वो काफी अच्छा है, मैं आपको बता दूं, जब मैं सुन रहा था। तो ये FND एक जो है फेमस ब्रांड भी है जो स्पीकर्स को लेके, तो हम सभी जैसा जानते हैं। जो थर्ड स्पीकर है वो क्रिएटिव की तरफ से, मैं आपको बता दूं, इसकी प्राइस है 3,100 रुपीज के आसपास, 3,035 रुपए में आपको बता दूं करंटली चल रहा है, और ये क्रिएटिव SVS E2800, और ये 50 वाट का जो है स्पीकर है, मैं आपको बता दूं ये काफी अच्छा आउटपुट है। मैंने इसे सुना नहीं है, लेकिन मैं फ्लिपकार्ट की रिव्यू मैंने काफी पढ़े इसके बारे में, तो इसे काफी अच्छा, और लुक में भी काफी स्टाइलिश लगता है, आप लोग देख रहे होंगे, काफी खूबसूरत लगता है। जी हाँ, और इसमें LED नोटिफिकेशन वगैरह सारे मिल जाते हैं, और इसमें भी आपको जो है सारी चीजें मिल जाती हैं, क्रिएटिव में आपको सारी चीजें मिल जाती हैं, ब्लूटूथ मिल जाता है, USB मिल जाता है, SD कार्ड वगैरह आप सारी चीजें लगा सकते हैं, और काफी ये ब्यूटीफुल साउंड के साथ और ब्यूटीफुल लुक में भी ये काफी अच्छा है। जी हाँ, जो फोर्थ स्पीकर है मैं आपको बता दूं, वो FND की तरफ से आता है, मैंने अभी जल्द ही से परचेस किया है, मैं एक हफ्ते के अंदर इसका रिव्यू आपको लाऊंगा और दिखाऊंगा। जी हाँ, ये FND A140X 2.1 है, मैं आपको बता दूं, मैंने इसे ऑफलाइन खरीदा था तो मुझे थोड़ा कॉस्टली मिला था, 3,000 के आसपास मिला था, लेकिन करंटली इसकी प्राइस जो है अमेजोन पे अगर ऑनलाइन लेते हैं तो आप पैसे सेव कर पाएंगे, 2,699 रुपीज में आपको ये मिल जाएगा। ये 37 वॉट का स्पीकर है, लेकिन जो इसके ऑडियो आउटपुट है वो काफी लाउड है, काफी अच्छी है, बेस काफी सॉलिड है। जी हाँ, बेस काफी अच्छा, मैं सुना था जब, तो मतलब मुझे ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा बेस रिस्पांस मुझे देखने को मिलेगा इस प्राइस सेगमेंट में। जी हाँ, तो काफी अच्छा था। और जो लास्ट है वो फिफ्थ है, वो भी FND की तरफ से आ रहा है। जी हाँ, जिसकी प्राइस है वो 2,100 रुपीज के आसपास है, मैं आपको बता दूं, 2,049 रुपीज, और इसकी जो मॉडल है FND F210X, ये 2.1 है, मैं आपको बता दूं, ये 51 वॉट का स्पीकर है, ये छोटा है लेकिन छोटे में भी ये काफी अच्छा है, अगर आप एक रूम में सुनना चाहते हैं तो ये काफी सफिशियंट है, और एक काफी ब्यूटीफुल जो है साउंड प्रोड्यूस करता है, और बेस की रिस्पॉन्स भी काफी अच्छी है। जी हाँ, तो ये सारे स्पीकर थे अकॉर्डिंग टू मी, अगर मुझे सेलेक्ट करना हो इन सारे चीजों में, तो मैं आपको बता दूं सारे काफी अच्छे हैं, लेकिन 5.1 अगर आपको लेना है तो 5,000 रुपीज के अंदर FND जो है 700X वो बेस्ट ऑप्शन है आपके पास। उसके बाद अगर आपको 2.1 लेना है 5,000 रुपीज के अंदर, तो सैमसंग भी आप ले सकते हैं, लेकिन आपके पास एक और अल्टरनेट ऑप्शन है जो आप काफी आधे पैसे आप बचा सकते हैं, FND A140X 2.1 आप ले सकते हैं, जो 37 वॉट का है, ये काफी अच्छा है। इसमें आपको जितने भी स्पीकर मैंने बताए सैमसंग को छोड़ के, सारे में आपको वायरलेस जो है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है, USB और SD कार्ड पोर्ट मिल जाता है।
तो ये सारी चीजें थी ये स्पीकर के रिगार्डिंग, जो 5,000 रुपीज के अंदर आपको कौन सा लेना चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें और इसे शेयर करें और लोगों को भी बताएं, और अगर आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत।